हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम पीएचडी एडमिशन में डिस्कस करने वाले हैं एनसीसीएस पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो एनसीसीएस पीएचडी एडमिशन में चलिए देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 24th of December। तो सारी डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। तो वेबसाइट पर चले जाइए thedynamicstudy.com और उसके बाद क्लिक करिए पीएचडी एडमिशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCCS पीएचडी एडमिशन, ये सेकंड नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका पुणे में है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस। और अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है इसकी 24th of December एंड 11th जनवरी है, उस 11th जनवरी तक ये आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दे देंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ज्वाइनिंग की डेट अगर हम बात करें तो 15th मार्च इसकी ज्वाइनिंग की डेट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए साइंस में। किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड फेलोशिप होना ज़रूरी है एंड एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका GPA में होना चाहिए। जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है उसमें आपका 55% होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है 5% मार्क्स का। एंड अगर हम ये बोलें कि जो नेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप JRF हो, आपके पास फेलोशिप हो, अगर आप नेट LS क्वालिफाई हैं, लेक्चरशिप आपने क्वालिफाई की हुई है या गेट क्वालिफाई की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, अप्लीकेशन प्रोसेस भी बताया कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जो अपर लिमिट है वो JRF जैसी है, ठीक है, 28 ईयर्स है प्लस 5 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशन है SC ST वुमेन एंड PWD के लिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएचडी एडमिशन की एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके लिए मैंने वेबसाइट मेंशन कर दिया है। इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा उसका, ठीक है, और ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वहाँ पर आपको विजिट भी नहीं करना पड़ेगा और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए देख लेते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका पुणे में है। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करिए, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये है आपका नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस पुणे में, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट है। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।